ये रोड शो के दृश्य हैं जो इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। वडोदरा का रोड शो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर वहां पे वडोदरा वासियों का अभिनंदन कर रहे हैं, जो हाथ हिलाकर अपने प्रिय नेता का अभिनंदन कर रहे हैं। वडोदरा वासी, जो शाम का समय है और इस समय भी अंधेरे होने के बावजूद लोग भारी तादाद में सड़क के दोनों ओर खड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। शिशिर, आप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और चूंकि आप वडोदरा में पिछले कुछ दिनों से थे, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इतने दिनों में वडोदरा वासी किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उससे पहले जब वो मुख्यमंत्री थे तो उनके कार्यकाल को याद करते हैं। बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको कहा कि तो उदाहरण अगर देखा जाए तो काम का अगर हम एक पैमाना देखें तो उस काम के पैमाने पर जो है खड़े उतरते हुए लोग यहाँ पर कहते हैं कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने जो है जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के, जो कामों की शुरुआत की थी, उस कामों के परिणाम स्वरूप फलस्वरूप जो है आज जो आधे अधिक जो काम है वो कहीं ना कहीं पूरे उस दिखाई दे रहे हैं। और यही बात जो है सबसे महत्वपूर्ण बात है, हालांकि आज जब लोगों के घुल मिल रहे, मैं बताना चाहूंगा कि ये वडोदरा वही शहर है जो 2014 में जहां प्रधानमंत्री इसी वडोदरा शहर से जो है जो लोकसभा चुनाव लड़ने खड़े हुए थे और तकरीबन 5 लाख की थंपिंग विक्ट्री से जो है उनका दावा पुख्ता हुआ था प्रधानमंत्री पद का। और ये देख सकते हैं कि ये वडोदरावासियों का प्रेम है उनके प्रति, और इसीलिए आज भी जो कि कार्यक्रम अगर देखा जाए तो शेड्यूल कार्यक्रम नहीं है, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री एक रोड शो के जरिए जा रहे हैं। हालांकि अगर हम बात करें शेड्यूल कार्यक्रम की तो सिक्योरिटी के जरिए भी जो हमको पता चला था उसके मुताबिक प्रधानमंत्री यहां से सीधे जो है वडोदरा एयरपोर्ट जाने वाले थे, लेकिन बावजूद इसके जिस प्रकार के लोग जो है सड़कों पर उतर आए हैं उनको देखने के लिए, उनकी झलक देखने के लिए, दर्शाता है कि उनके बारे में कितना विश्वास है, कितना प्रेम है वडोदरावासियों का। तो ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण बात होती है कि जिस प्रकार से आप तस्वीरों में देख पा रहे थे कि जो अगर ये पूरा रास्ता अगर देखा जाए, इलाका देखा जाए जहां से प्रधानमंत्री गुजर रहे हैं, तकरीबन 11, जैसे मैंने कहा कि 11 किलोमीटर का रास्ता रहेगा और तकरीबन